हेलो फ्रेंड्स, हिमांशु मोटर ऐड चैनल के अंदर आपका स्वागत है। तो हम आपके लिए लेके हैं आज KTM 390, जो कि अपने को 400 सीसी के अंदर मिल जाती है। इसके अंदर अपने को क्या कुछ फीचर वगैरह मिलते हैं, क्या प्राइसिंग के साथ में रहने वाले हैं, और 2024 का जो एडिशन आया है उसके अंदर अपने को क्या नए नए फीचर एंड यूनिक फीचर अपने को क्या कुछ मिल जाता है, तो उसी चीज़ के बारे में आपको कंप्लीट जानकारी देने वाले हैं। उसी के साथ साथ अपन इसको कंप्लीट डिटेल इसकी बताएंगे कि अपने को क्या ये ऑन रोड रहने वाली है, और अगर लोन पे अपन इसको लेते हैं तो क्या अपने को इसमें डाउन पेमेंट देना रहता है। तो फर्स्ट में अपन बात करें इसके फ्रंट लुक से, तो फ्रंट के अंदर अपने को फुल्ली एलईडी सेटअप के साथ में अपने को डीआरएल मिल जाता है। जो डीआरएल इसका दिया गया है वो बिल्कुल ही एक्सटर्नल यहाँ पे साइडिंग के अंदर रहता है, जो कि आप देख सकते हो। उसी के साथ साथ ये अपनी 4 LED के साथ में अपने को हेडलाइट मिल जाती है, जिसका थ्रो काफी ज्यादा ब्राइट रहने वाला है। उसी के साथ साथ अपन बात करते हैं इसके टायर प्रोफाइल की, सस्पेंशन की, तो वो चीज भी आपको मैं दिखाता हूँ। उसी के साथ साथ इसके लीवर वगैरह हैं वो भी अपने को एडजस्टेबल मिलते हैं, सस्पेंशन है वो भी एडजस्टेबल मिलते हैं, फ्रंट एंड रियर दोनों ही। तो अपन बात करते हैं फर्स्ट में इसके फ्रंट से, तो फ्रंट टायर प्रोफाइल की अपन बात करें तो फ्रंट के अंदर अपने को 110/17R17 की प्रोफाइल के साथ में टायर मिल जाता है। ऑरेंज कलर के अंदर अपने को इसमें एलॉय व्हील रहने वाले हैं, और 320mm का इसका डिस्क ब्रेक रहने वाला है। उसी के साथ साथ बात करें ABS सिस्टम की, तो स्विचेबल ABS मिलता है, जो कि डुअल चैनल ABS इसमें रहने वाला है। फ्रंट के अंदर अपने को WPK अपेक्स के सस्पेंशन मिलते हैं, जो कि 4.3mm रहने वाले हैं, USD सस्पेंशन रहने वाले हैं। उसी के साथ साथ बाईबैक के ब्रेक कैलिपर्स मिल जाते हैं, साथ में अपने को इसमें रिफ्लेक्टर मिल जाता है। इसी के साथ साथ बात करें रियर की, तो रियर में अपने को इसमें 150/60R17 की प्रोफाइल के साथ में अपने को टायर मिल जाते हैं, जो कि रियर ड्रिल टायर रहने वाला है। उसी के साथ साथ ऑरेंज कलर के अंदर अपने को इसमें एलॉय व्हील मिल जाते हैं, 240mm का डिस्क ब्रेक मिल जाता है, बाई बैक के ब्रेक कैलिपर्स हो गए, उसी के साथ साथ ड्यूअल चैनल ABS हो गया, जो कि स्विचेबल ABS इसका रहने वाला है। बात करें रियर सस्पेंशन की, तो रियर के अंदर अपने को मोनो सस्पेंशन मिलता है, जो कि अपेक्स का रहने वाला है। उसी के साथ साथ 10 टाइप एडजस्टेबल सस्पेंशन ये रहने वाला है। और बात करेंगे फ्रंट वाले की, तो फ्रंट वाला अपने को 5 टाइप एडजस्टेबल सस्पेंशन रहने वाला है, जो कि अपने को यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं, जो कि आसानी से ही हो जाता है। बात करेंगे इंजन की, तो इसके अंदर अपने को 398cc का BS6 सेकंड फेस लिक्विड कूल्ड इंजन मिलता है, जो कि लगभग अपने को 45 BHP की पावर जनरेट कर देता है। इसके साथ साथ 39 Nm का टॉर्क जनरेट कर देता है। लिक्विड कूल्ड इंजन है, तो इंजन में हीटिंग वगैरह की दिक्कत नहीं आने वाली। उसी के साथ साथ बात करेंगे फ्यूल टैंक की, तो फ्यूल टैंक अपने को इसमें 15 लीटर का मिल जाता है। और बात करेंगे माइलेज की, तो 25 से 30 तक की ये माइलेज अपने को दे देती है, क्योंकि इन बाइकों के अंदर माइलेज वगैरह ज़्यादा लोग निकाला नहीं करते हैं। उसके बाद में अपन बात करते हैं इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पर, तो अपने को फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल जाता है। इसके अंदर अपने को काफ़ी कुछ फीचर वगैरह मिल जाते हैं, भर भर के फीचर दिए हुए हैं। बात करेंगे टैंक काउल की, तो आप देख सकते हो ड्यूक 390 की यहाँ पर ब्रांडिंग मिल जाती है। कलर की बात करते हैं, तो कलर अपने को इसमें ब्लू एंड ऑरेंज दो कलर अपने को इसमें मिलने वाले हैं। ये अपने को ब्लू वाला कलर देखने को मिल रहा है। उसी के साथ साथ सीटिंग पोजीशन की बात करते हैं, तो सीट अपने को इसमें ड्यूअल सीट मिलती है। रियर सीट को ओपन करने के लिए यहाँ पर अपने को की होल दिया हुआ है। अब बात करते हैं इसके स्विचेस वगैरह की, तो फर्स्ट में अपन बात करते हैं इसके मिरर लुक की, तो वो आप देख सकते हो काफ़ी यूनिक टाइप के इसके मिरर पे डिजाइन दी गई है। उसी के साथ साथ स्विचेस की बात करें, तो यहाँ पर अपने को इसका पासिंग का स्विच मिल जाता है, ये अपना क्लच लीवर दिया गया है, जो कि एडजस्टेबल अपने को मिलता है। उसी के साथ साथ हैजार्ड के लिए यहाँ पर अलग से स्विच दिया गया है। ये अपने इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर अपने को 4 स्विच मिलते हैं, जिससे अपना पूरा का पूरा इंस्ट्रूमेंट कंट्रोल होता है। उसी के साथ साथ ये इंडिकेटर के लिए और ये अपना हॉर्न के लिए दिया गया है। काफी ज्यादा लाउड अपने को इसमें हॉर्न मिल जाता है। उसके बाद में अपन बात करते हैं ब्रेक लीवर की, तो वो भी अपने को एडजस्टेबल मिल जाता है। यहाँ पर अपना इंजन किल स्विच मिल जाता है, उसके साथ साथ सेल्फ का बटन भी दिया गया है। तो एक बार मैं आपको साउंड सुना देता हूँ पहले। बात करें की की, तो अपने को ड्यूअल की मिल जाती है। एक की अपने को कुछ इस प्रकार से काफी ज्यादा यूनिक तरीके से अपने को दी जाती है, और जैसे अपन की को ऑन करते हैं तो अपना इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आप देख सकते हो इसका वेलकम अपने को किस तरीके से मिलता है। यहाँ पर न्यूट्रल के लिए ये अपनी इंजन लाइट हो गई, उसी के साथ साथ ये अपना ट्रेंड के लिए हो गया ट्रैक्शन कंट्रोल, ABS,
आरपीएम, फ्यूल गेज, लॉन्च कंट्रोल ऑन है या ऑफ है, एबीएस, कौन सा मोड अपना सिलेक्ट किया हुआ है, उसके साथ साथ ट्रैक्शन कंट्रोल, टाइमर और ये गियर वगैरह, स्पीडोमीटर यहाँ पर देखने को मिल जाता है। तो फर्स्ट में अपना मिलता है इसमें टाइमर, उससे नीचे अपने को मोड वगैरह मिल जाते हैं। तो मैं आपको एक बार ओपन करके दिखाता हूँ। इसके अंदर मोड की बात करेंगे तो ट्रैक मोड दिया गया है, रेन मोड दिया गया है, स्ट्रीट मोड दिया गया है, तीन मोड अपने को मिलते हैं। उससे आगे एबीएस मिल जाता है, एबीएस को ऑन ऑफ करने के लिए मिल जाता है, सुपर मोटो और रोड का दिया गया है जिससे अपन एबीएस को ऑन और ऑफ कर सकते हैं रियर वाले एबीएस को। उसी के साथ साथ ट्रैक्शन कंट्रोल मिल जाता है जिसको अपन ऑफ एंड ऑन कर सकते हैं। लॉन्च कंट्रोल मिल जाता है, लॉन्च कंट्रोल अपना यूज रहता है ट्रैक मोड के अंदर ही, ऑफ रहता है बाकी ऑन रहेगा। उससे आगे अपन बात करें तो बाइक की इन्फॉर्मेशन वगैरह मिल जाती है, कूलेंट का टेम्परेचर हो गया, फ्यूल की रेंज हो गई, बैटरी हेल्थ हो गई, ऑडोमीटर हो गया, सर्विस हो गई, उसी के साथ साथ कोई वार्निंग वगैरह इंजन के अंदर आ रखी हो तो वो चीज मिल जाती है, तो ये बाइक इन्फो के अंदर मिल जाता है। उससे अगर हम बात करते हैं तो ट्रिप ए और ट्रिप टू का अपने को सपोर्ट मिल जाता है जिसके अंदर अपनी पूरी डिटेल दी हुई रहती है कि क्या इसकी स्पीड वगैरह रही है, क्या टाइमिंग रहा है, सारी चीजें देखने को मिलती है। उससे आगे अपने को ब्लूटूथ कनेक्टिविटी का ऑप्शन मिल जाता है जिसके अंदर अपने नेविगेशन, सॉन्ग वगैरह वो सारी चीजें कंट्रोल कर सकते हैं। और आगे अपन बात करें तो ये अपना जो फेवरेट का फीचर है, जैसे अपने को कौन सी क्या स्क्रीन चाहिए है, क्विक सिलेक्टर अपना इन बटन के द्वारा कौन सी चीज़ अपने को सिलेक्ट करनी है अप एंड डाउन वगैरह से, कनेक्टिविटी मोबाइल कनेक्टिविटी के लिए हो गया, क्विक शिफ्टर हो गया जैसे अपन बिना क्लच को प्रेस किए गियर वगैरह डाले तो उस चीज़ के लिए हो गया। उससे आगे शिफ्ट लाइट हो गई अपनी डिस्प्ले की लाइट वगैरह को चेंज करने के लिए, डेट एंड क्लॉक टाइम वगैरह सेट करने के लिए, और ये एक यूनिट के लिए दिया गया है जिसके अंदर अपना डिस्टेंस टेम्परेचर वगैरह बताएगा कि अपने को कौन से हिसाब से क्या चाहिए, किलोमीटर में चाहिए या फिर मील के अंदर चाहिए, उसके अलावा टेम्परेचर अपने को किस तरीके से चाहिए, और अपना जो ये दिया गया है कि किलोमीटर प्रति घंटा चाहिए या फिर जो भी इसका अपने को जिस हिसाब से चाहिए उस हिसाब से मिल जाता है। आगे लैंग्वेज का ऑप्शन मिल जाता है और कुछ एक्स्ट्रा फीचर हैं जिसके अंदर कॉल, लॉन्च कंट्रोल वगैरह, ऑडियो वगैरह वही अपने ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के सारे सिस्टम दिए गए हैं। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर मिल जाती है। उसी के साथ साथ ये अपना गियर के लिए भी मिल जाता है नीचे के साइड में। करेंगे रियर की, तो रियर में अपने को कुछ टी की शेप के अंदर अपने को टेल लाइट मिल जाती है, ब्रेक प्रेस करने पर अपने को ये वाले ब्लिंक हो जाते हैं, उसी के साथ साथ फुल्ली एलईडी सेटअप के साथ में अपने को इंडिकेटर मिल जाते हैं जो कि आप देख सकते हो काफी अच्छे और काफी प्यारे लग रहे हैं। उसी के साथ साथ यहाँ पर अपने को नंबर प्लेट के लिए लाइट दी गई है, प्रॉपर स्पेस दिया हुआ है नंबर प्लेट के लिए, और एलईडी के अंदर अपने को लाइट मिल जाती है, यहाँ पर मिल जाता है अपना रिफ्लेक्टर। करेंगे सीट की, तो ड्यूअल सीट इसके अंदर अपने को दी गई है और ब्लैक कलर की सीट रहती है, ब्लैक कलर की स्टिचिंग दी गई है, साइड के अंदर कुछ अलग मटेरियल है और बीच के अंदर अपने को कुछ अलग मिल जाता है। सीट मैंने आपको ओपन करके दिखा दी है, सीट के नीचे अपने को फर्स्ट एड बॉक्स, टूल बॉक्स वगैरह वो चीजें मिल जाती है। उसी के साथ साथ यहाँ से अपन रियर वाली सीट भी ओपन कर सकते हैं। तो बाद में बात कर लेते हैं गाड़ी के डिजाइन एंड बॉडी की, तो आप देख सकते हो फ्रंट के अंदर अपने को एलईडी मिल जाती है, हेडलाइट हो गया, यहाँ पर मिल जाता है अपने इंडिकेटर, उसी के साथ साथ साइड काउल के ऊपर अपने को 390 की ब्रांडिंग मिल जाती है, यहाँ पर 3D के अंदर कुछ डिजाइन दी हुई है, उसी के साथ साथ मड फ्लैप है जो कि फ्रंट के अंदर काफी शॉर्ट किया गया है और रियर में काफी लंबा रखा गया है इसी को, यहाँ पर अपने को KTM की ब्रांडिंग मिल जाती है। ये अपना साइड गार्ड वगैरह हो गया, इंजन कूलेंट वगैरह के लिए यहाँ पर अपने को बॉल मिल जाती है, ये अपना साइड के अंदर सस्पेंशन इसका निकाला हुआ है। बात करेंगे इसके सेंटर की, तो सेंटर के अंदर काफी अच्छा वेट रखा गया है। उसी के साथ साथ ये अपना रियर ब्रेक, फ्रंट फुटरेस्ट, उसी के साथ साथ में रियर फुटरेस्ट अपने को काफी अच्छी कवरिंग प्लास्टिक कवरिंग के साथ में मिल जाते हैं। उसके बाद में अपन बात करते हैं साइड की, तो यहाँ पर अपने को एक अलग ही डिजाइन मिल जाती है, ये अपना बिल्कुल ग्लोसी रह गया और ये अपने को मिलता है मैट के अंदर, अपने को एक गार्ड मिल जाता है लेडीज वगैरह के हिसाब से। और बात करेंगे गियर की, तो 6-speed गियर के साथ में ये गाड़ी अपने को मिलने वाली है, साइड स्टैंड अपने को सेंसर के साथ में मिलता है और मैन स्टैंड का इसमें कोई ऑप्शन नहीं रहता। बात करेंगे इसके साइलेंसर की, तो वो बिल्कुल मिड के अंदर फिट किया गया है, साउंड मैंने आपको इसकी सुना दी है। इसके बाद में अपन बात कर लेते हैं गाड़ी के प्राइसिंग की, तो इस गाड़ी की जयपुर राजस्थान के अंदर ऑन रोड प्राइस रहने वाली है 3,85,000 रुपए। इस गाड़ी के अंदर अपने को सिंगल वेरिएंट मिलता है जिसका नाम दिया गया है स्टैंडर्ड, उसी के साथ साथ दो कलर मिल जाते हैं, एक अपना मिलता है इसमें ब्लू कलर जो कि आप देख सकते हो, उसी के साथ साथ एक ऑरेंज कलर और मिल जाता है। तो ये हमारी आपको जानकारी कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।